तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ करके एक फिश को रिग। तो आज का ये ट्यूटोरियल है और आज की इस वीडियो में मैं पूरा एक फिश को रिग करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो यूज़फुल लगे और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अपने शेयर किया जाएगा ताकि वो भी ब्लेंडर सीख सके हिंदी लैंग्वेज में। तो आज करते हैं एक फिश को रिग। तो मैं सबसे पहले ये डिलीट कर लेता हूँ और इम्पोर्ट कर लेता हूँ अपने फिश को। ये जो मैंने डाउनलोड करा है ये मैं अपने फोल्डर में से जाके फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये जो मेरी नॉर्मल फिश है ये आ जाए। मैं पहले कीबोर्ड स्क्रीन कास्ट ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको पता लगता रहे मैं क्या क्या प्रेस कर रहा हूँ। तो अब जो है ये मेरी जो फिश है ये यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि पेरेंट है। तो ये देखिए ये पेरेंट है, तो मैं इसको यहाँ से पेरेंट पे आके कीप के लिए ट्रांसफॉर्म में कर लेता हूँ और इसको कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ। फिश के अलावा कुछ और जो भी होगा ऑब्जेक्ट वो सब सिलेक्ट हो जाएगा और मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक पॉइंट था वो डिलीट कर दिया मैं और इसका मैं जो ओरिजिन है ये सेट कर देता हूँ इसके ज्योमेट्री पे, मतलब इसके ऊपर, और शिफ्ट एस करके मैं सिलेक्ट टू कर्सर कर देता हूँ ताकि ये आ जाए इसके ऊपर। और अब मैं इसका जो रिग है वो ले लेता हूँ। तो मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और आर्मेचर में आके एक एनिमल में आके और यहाँ पे मैं शार्क मेटा वाला रिग वाला ले लूँगा और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ R Z -90 डिग्री पे। तो मुझे कुछ इस प्रकार का दिख रहा है कि ये जो इसका जो उठा हुआ पार्ट है ये पीछे का है और ये इसके दोनों हाथ हैं और ये आगे का मुंह का है और ये ऊपर वाला वो है फिश के जो ऊपर रहता है, शार्क के जो ऊपर रहता है। तो ये वाला मैं लगाने वाला हूँ इसके ऊपर, फिश के ऊपर। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ टेक्सचर मोड में। आप सॉलिड मोड्स पे भी लगा सकते हैं, मैं ऐसे देखने के लिए करता हूँ। तो ये मेरी फिश कुछ इस प्रकार की दिखाई दे रही है मुझे, जो काफ़ी अच्छी लग रही देखने में। तो इसको मैंने लिया और सैन पे जाऊँगा और टैप प्रेस करूँगा और टैप से बाहर आऊँगा। इसका साइज़ पहले से छोटा कर देता हूँ इतना, और अब टैप प्रेस करता हूँ और ये जो सबसे लास्ट वाला है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और जी करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इसको भी। अभी मुझे फिर दोबारा सेट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि मेरे को उस वाले व्यू पोर्ट से भी इसको ठीक करना है पूरा। वन पे आता हूँ, ये देखिए ये इस प्रकार से मुझे वहाँ पे लगाना है पूरे। वो मैं टैप करता हूँ जी करके जेड कर लेता हूँ इसको, पहले थोड़ा पास ही ले आता हूँ मैं। अब टैप प्रेस करता हूँ और इसको मैं उठा के जी करके जेड यहाँ और जी करके जेड यहाँ, टॉप ऑर्थोग्राफी से ऐसे देखता हूँ और ये इस तरह के से। तो हम सेट करने की कोशिश करेंगे इसको पूरा अच्छे से। तो मैं अभी क्या करता हूँ, टैब से बाहर आता हूँ और यहाँ पे डाटा वाले प्रॉपर्टी में आके व्यू पोर्ट में आके इन फ्रंट वाले का ऑप्शन को ऑन कर लेता हूँ। तो ये रहा इन फ्रंट, तो ये मैंने ऑन कर लिया और अब मैं टैब में जाऊँगा तो मुझे ना बाहर से भी दिखाई देगा क्या क्या कहाँ कहाँ हो रहा है। तो अब मैं चलूँगा, मैं इसको लूँगा और वन पे आऊँगा और जी करके मैं इसको यहाँ रखूँगा और इसको इसको सिलेक्ट करूँगा पॉइंट को और इसको यहाँ रखूँगा और इन तीनों को सिलेक्ट करके मैं जी करके यहाँ रखूँगा। अभी हमारा सेट नहीं हुआ ये वाला, तो इसको सेट करने के लिए मैं टॉप फोटोग्राफी पे आके जी करके यहाँ इसके पास रखूँगा और इसको सिंपल इसको सिलेक्ट करके मैं इसको यहाँ रखूँगा। तो ये अभी इस तरीके से सेट हो गया और अब बारी आती है फिर इसकी। तो मैं टॉप से आता हूँ, पहले से सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और टॉप और पे आके ये वो आ रहा, तो मैं इसको जी करके यहाँ रख देता हूँ और इस वाले को भी सिलेक्ट करके इसको जी करके यहाँ। अब मुझे इन दोनों को सिलेक्ट करके, मेरा माउस चल नहीं रहा, मैं एक बार क्लिक कर रहा हूँ दो हो गया, तो जी करके मैं इसको यहाँ सेट कर लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करके जी करके इन दोनों के बीच में कर देता हूँ क्योंकि इन दोनों के बीच में ही था ये। तो ठीक है, अब आते हैं इन तीनों पे। तो अब एक के बाद आएगा फिर इन दोनों की बारी आ जाती है, ये दोनों, ये एक और नीचे, ये देखिए यहाँ पे ये निकला हुआ मछली का ये वाली चीज़ यहाँ पे लगेगी, सब कुछ दिया हुआ होता है। जी करके मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ और इनको पूरा का सिलेक्ट करके जी करके इसको यहाँ रख लेता हूँ
सिलेक्ट करके जी करके यहाँ, और इनको सिलेक्ट करके जी करके मैं यहाँ रख लेता हूँ। अब इसको जी करके यहाँ, अब इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, आर करता हूँ जेड पे यहाँ, और जी करके मैं इसको रखता हूँ, थोड़ा स्केल डाउन करता हूँ, जी करके यहाँ, ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके जी करके यहाँ, इनको सिलेक्ट करके यहाँ, इसको यहाँ, इन दोनों को यहाँ, और अब जो है, अब मेरे को सिंपल ये ऐसे यहाँ पे सेलेक्ट करना, जी करके जेड की डायरेक्शन में बस सेट करना है, जी करा सेट। तो पूरी कोशिश करूँगा कि ये सही 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 अपनी पोजीशन पे आए, क्योंकि मेन जो होता है वो हमारा रिग ही होता है, उसके बाद एनिमेशन हमारी आसान होती है। को मैं पकड़ूंगा और जी करके जेड, बस हमें जेड की वैल्यू में करना है, क्योंकि हमने टॉप ऑर्थोग्राफी पे इसका साइज मतलब पोजीशन हमें सेट कर ली थी, ये देखिए, बस हमें जी करके जेड ही करना है। इसको सिलेक्ट करा, अब इसको सिलेक्ट करो और जी करके जेड, अब हम सेट कर लेते हैं इस वाले को। तो इसको सेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे माउस रखता हूँ और एल प्रेस करता हूँ पीछे वाले दोनों, जी करके मैं इसको यहाँ करता हूँ और टॉप पे आता हूँ, और इसको जी करके ना मैं यहाँ रख लेता हूँ, वन पे आता हूँ और जी करके इसको यहाँ, इसको यहाँ, टॉप ऑर्थोग्राफी से इसको यहाँ सेट कर लेता हूँ, ये इस तरीके से हमारा सेट हो गया, ठीक है इतना। और अब जो है हम करेंगे, इस वाले में तो ये रहे हमारे ये दोनों, तो मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ और जी करके एक्स को बंद कर लेते हैं, बोल नहीं रहा सही से, इसको यहाँ रख दिया मैंने, और इसको यहाँ, इस वाले को पकड़ के इसको यहाँ, और इस वाले पकड़ के यहाँ, अब जी करके जेड में इसको सेट करेंगे हम, बस ये यहाँ ठीक है, नीचे आएगा थोड़ा, जी करके जेड, इसको भी जी करके जेड, ये तो यहाँ हो गया, और ये भी जी करके जेड, इसको हम थोड़ा ना कंट्रोल 7 के साथ सेट करेंगे, क्योंकि नीचे का हिस्सा है, तो इसको जी करके ये यहाँ से स्टार्ट है, ऊपर टॉप से ऐसे ये वहाँ तक दिखाई दे रहा था कंट्रोल 7 से यहाँ, तो अब मैं इसको बस जी जी करके जेड करूँगा और ये अपनी सही जगह पर आ जाएगा, जी करके सेट, ये आ चुका है। इस साइड से भी हम सेम वैसे ही करेंगे, तो इस वाले को मैं ले लेता हूँ और जी करके सेट यहाँ, जी करके सेट यहाँ, और वन पे आते हैं फिर जी करके सेट, इसको वैसे सेट, ये हो गया, और ये भी अपना भी हो गया, तो ठीक है, ये इनको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, आगे वाले को भी हमने भी दूर दूर रखा, इसको इन दोनों का सेट कर की करता हूँ और यहाँ लगा लेता हूँ, अब वन पे आके इसको देखता हूँ किस साइड है, ये हल्का सा इस वाले को कल्याण की जरूरत है,
कौन सा नाम है इसको, जी करके यहाँ इस तरीके से सेट हो गया। Ctrl 7, इस साइड को भी मैं ऐसे कर लेता हूँ। ये हमारा यहाँ तक सेट हो चुका है, अब पीछे वाले को भी हम ऐसे ही सेट कर लेते हैं। तो मैं Ctrl 7 लाता हूँ और यहाँ के पीछे वाले को, तो ये मेरे को ये चीज़ सेट करनी है यहाँ पर और ये चीज़ सेट करनी है यहाँ पे। तो मैं 1 पे आऊँगा और इसको जी करके यहाँ कर दूँगा, इसको जी करके कुछ यहाँ इसको सेट करूँगा। ये हमारे इसको यहाँ कर लेते हैं, टॉप पे आके सही से सेट कर लेते हैं इसको, यहाँ इसको यहाँ, और Ctrl 7 दबा के इसको यहाँ और इसको कुछ यहाँ। 1 पे आते हैं, Ctrl 7 पे आते हैं और इसको जी करके कुछ मैं यहाँ रखूँगा बीच में, ठीक है। ये सब हमारा सेट कर रहे हम, और इसको सिलेक्ट करेंगे जी करके यहाँ 7 दबाऊंगा और जी करके कुछ यहाँ। तो ये हमारा ऐसा सेट हो गया और मुझे लग रहा है हो गया हमारा। बारी आती है इधर फेस की, ये हमारा आई के लिए, मेरा आई है नहीं, वो ऐसी बस पी फोटो लगा रखी है। तो अगर आप में आई होगी तो आप लगा लीजिएगा, मैंने आई की करके दिखाया है वुमेन में डायरेक्ट में कैसे करते हैं। तो मैं इसकी इसको ना यहाँ सेट कर लेता हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फ्रंट को माफ करूँगा, इसको मैंने लिया जी करके जेड यहाँ, इसको जी करके जेड यहाँ और इसको जी करके जेड यहाँ, इसको सिलेक्ट करूँगा जी करके जेड यहाँ, जी करके जेड यहाँ, जी करके जेड यहाँ, और ये जो है हमारा माउथ है तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ जी करके दैट। माउथ का हमारा इतना है नहीं, और ये हमारा लिप का है, वो लिप्स का है, ये मैंने ऐसे बीच में रख दिया, हमारे इसको काम का है नहीं इसमें, ना आई है ना माउथ है ना ही वो है।
तो अब ये देख सकता हूँ मैं कि ये जो मेरा जो रिग है वो अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, रिग करने से पहले मैं सबको क्या करता हूँ, कंट्रोल ए से ऑल ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ, और इसको भी मैं बोन को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए से ऑल ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ, और बोन को सिलेक्ट करके एन प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे मेरा नहीं आ रहा जनरेट का, मैं यहाँ पे आऊँगा इसमें जनरेट रिग, और ये मेरा रिग हो चुका है सक्सेसफुल। जो हमारा साइज है पूरा प्रॉपर आ गया है इस पर, ये देखिए हर एक बोन का आ गया है। तो अब हम रिग को करते हैं मछली से पेरेंट। तो अब जो है ये मेरी रिग है, ये पूरा रिग हो चुका है। तो अब मैं जो बोन है इसको हाइड कर लेता हूँ, डिलीट नहीं करूँगा अभी, आप डिलीट भी कर सकते हो। तो अब जो है ना, मेरे को एक प्रॉब्लम आप मेरे को बता सकता हूँ मैं कि आती है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा, मतलब इसको सिलेक्ट करके ये करूँगा, हमारा मेन जो होता है वो इसको हमें येलो रखना है। तो या मतलब कुछ भी सिलेक्ट कीजिए, फिर लास्ट में इसको सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर इसको सिलेक्ट करिए, अगर आपका कुछ भी नहीं है तो बस एक ये सिलेक्ट करिए, वो ऑरेंज रहेगा। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब वो येलो रहना चाहिए और हमारी जो बॉडी होनी चाहिए वो ऑरेंज रहनी चाहिए। तो अब मैं कंट्रोल पी करूँगा ना तो ये होएगा नहीं, कंट्रोल पी करूँगा और ये देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, बोन हीटिंग विद द फेल ऑफ द वन ऑफ मोर बोन्स, ऐसा करके कुछ हमें आ रहा है। तो अभी हमारे यहाँ से जो है ये तो पेरेंट हो गया, अभी हमें दिखाई दे रहा है, पर मैं कंट्रोल टैब से मैं पॉज मोड में जाता हूँ। आप यहाँ से भी पॉज मोड में आ सकते हैं, यहाँ से पॉज मोड में आ सकते हो, ऑब्जेक्ट मोड में जा सकते हैं। तो अब मैंने इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं इसको करूँगा, तो ये जो हमारा आर्मेचर है ये तो हमारा हो रहा है, पर वो तो ऊपर नीचे हो रहा है, पर उसके साथ हमारी फिश है वो नहीं हो रही। तो मैं कंट्रोल जेड करूँगा, फिर से वापस बैक जाऊँगा और मैं इस फिश को सिलेक्ट करूँगा और टैप प्रेस करूँगा और ए करके ना एम प्रेस करूँगा और बाय डिस्टेंस करूँगा, और जो इसका जो यहाँ पे मेरे को एक वैल्यू है ना यहाँ पे 0 की, ये मैं कम कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये जो हमारा ये जो फिश है अभी कुछ अजीब सा हो गया है कुछ, तो मैं इसको करता हूँ पूरा बढ़ा देता हूँ, एक सेकेंड कंट्रोल जेड करता हूँ पूरा और टैप करता हूँ और एम करता हूँ बाय डिस्टेंस, और इसको करता हूँ मैं 0.001 एंटर। तो अभी हमारा ऐसा हो गया। तो आपको भी यही वैल्यू रखनी है और टैप प्रेस कर देना, और टैप प्रेस करने के बाद इसको सिलेक्ट करना और ए करना अपना, कंट्रोल पी कीजिएगा विद ऑटोमेटिक वेट्स। तो अभी ये देखिए हमारा कुछ भी नहीं आ रहा, तो उसकी वैल्यू सिलेक्ट करनी है। वो वेट का कमाल होता है, जो भी होता है वो आप सीख जाओगे बाद में क्या होता है वो। तो अब मैं कंट्रोल टैप करता हूँ और पोज मोड में जाता हूँ, और अब मैं इसको मूव करके देखता हूँ, ये देखिए तो ये हो चुका है। तो अभी हमारी फिश भी नॉर्मल है और जो हमारा आर्मेचर है वो भी नॉर्मल है, और अब मैं इसको थोड़ा मूव करके दिखाता हूँ। तो ये जो ऑरेंज वाले मेरे मेन है, तो मैं आ करता हूँ, ये देखिए हमारी जो फिश का जो ये है ये मूव कर रहा है पूरा, और इसको मैं करता हूँ, ये देखिए इसको मैं आर करता हूँ लेट की वैल्यू में, मैं इसको ये देखिए किस तरह से ये जो हमारी फिश का जो ये है ये मूव हो रहा है, ये देखिए जैसे ये तैरती है, तो तैरती है तो कुछ इस तरह के से तैर रही है यूं यूं करके। तो हर क्या मैंने ये ऐसे ऐसे मूव हो रही, मतलब हर एक चीज़ हमारी हो गई है इसमें रिग, ये देखिए हाथ भी हो गया रिग, और मेन जो हमारा ये है ये भी हमारा रिग हो चुका है, हर एक चीज़ मैंने किसी को नहीं छोड़ा, और ये तक भी हमने रिग कर लिया अपना। और इसका माउथ जो है, माउथ माउथ तो ऐसा होता है पता नहीं था, ये देखिए माउथ हमारा ऐसा है, ये माउथ को कुछ और ही लो जाओ, अल्ट जेड करता हूँ ना, ये हमारी क्या है, अच्छा ये है माउथ हमारा। तो ये था फिश का ट्यूटोरियल। तो ये हमारी पूरी फिश जो है वो रिग हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ी बहुत यूज़फुल लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में आप लोगों में शेयर कीजिए ताकि वो भी ब्लेंडर सीख सके हिंदी में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका एनिमेशन ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं बना कर डाल दूँगा, तो आप देख लीजिएगा। एक वाटर के अंदर मैं इसका करके दिखाऊंगा, पानी भी मूव करेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।